देखिए, जैसे ही बकरीद यानी ईद उल अज़हा का मौका आ गया है तो मुसलमान जो है बकरीद के सिलसिले में जानवर ला रहे हैं, और जानवर लाने का जैसा ही सिलसिला चालू हुआ कल रात से हैदराबाद के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं सारों पे जो है पुलिस यानी पुलिस की जानिब से जानवरों को सीज करने का लाम उतना ही सिलसिला जारी रहा। कल रात भर लोग मुझे सोने नहीं दिए, रात भर फ़ोन आते रहे मुझे। सुबह में जो है कुछ लोग महमूद अली डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कने गए थे उनसे शिकायत करने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं सके, उनको मिलने नहीं दिया गया उनको। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले हमारे महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमानों को एडवाइस किए थे कि आप जो है जो प्रोहिबिटेड जानवर है मत काटो बोल के, तो हम पहले से नहीं काटते जो भी प्रोहिबिटेड जानवर है, कोई भी नहीं काटते। महमूद अली साहब का जो बयान है वो बयान खुद एक गलत बयान है कि उन्होंने मशवरा दे रहे हैं कि प्रोहिबिटेड जानवर मत काटो बोल के, जबकि उन्होंने एक बहसियत है मुसलमान होने के, उन्होंने खुद एक हैदराबादी होने के उनको मालूम होना चाहिए था कि मुसलमान जो है प्रोहिबिटेड जानवर नहीं काटता बोल के। अब दूसरी चीज़ यह है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का इंस्ट्रक्शन है कि हर चेक पोस्ट पे जो है कि 150 से 200 जानवर को अरेस्ट करना होगा। अब ये पुलिस वाले हैं और बंदिया की टीम है और गौ रक्षा समिति वाले, पशु रक्षा समिति वाले, ये लोग आके जानवरों को कल रात से गिरफ्तार किए हैं। मेरे साथ जो है हमारे ताहिर साहब हैं और मोहम्मद नज़ीर साहब हैं, ये लोग अपने यानी घर में काटने के लिए 3 बैल ला रहे थे, बड़े बैल थे। हर चेक पोस्ट का अलग अलग कानून है, हर चेक पोस्ट का अलग अलग कानून है। कहीं चेक पोस्ट पे ये बोल रही कि आप जो है डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आइए, अगर वो जानवर सेहतमंद है तो आप काट सकते बोल के बोल रहे। कहीं चेक पोस्ट पे ये बोल रही कि सेहतमंद जानवर नहीं काटना, अगर बीमार है तो वो जानवर आप काट सकते बोल के। कल रात में एक चेक पोस्ट पे मैं फ़ोन पे बात किया तो एलबी नगर के पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि सेहतमंद जानवर काटने का परमिशन नहीं है साहब, अगर बीमार है तो काट सकते। मैं कल नारसंगी पुलिस स्टेशन के चेक पोस्ट पे बात किया तो वहाँ पर पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि बीमार जानवर काटने से आपके लोग जो है गोश्त खा के बीमार हो जाएंगे, इसलिए हम आपकी हिफाजत के लिए हम बोल रहे हैं बोल के। तो ये कोई पॉलिसी नहीं है साबिका में, जब से तेलंगाना सरकार पिछले 5 साल की, 5 साल भी लोगों को जुल्म होते रहा, बराए नाम बयानबाजी होते रहती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे पिछले साल भी खरीब खरीब 1100-1200 बैल जो है लोगों के पकड़े, 6-6 महीने लोग कोर्ट के चक्कर काटे, एक तो जानवर गिरफ्तार करके गौशाला में लेके जाके छोड़ दे रहे, दूसरी चीज इनके ऊपर केस आमद कर रहे पुलिस वाले, तो 6-6 महीने 1-1 साल फिर रहे। फिर हमारे कायदीन मुस्लिम कायदीन आके बयान देते कि तेलंगाना सरकार जो है सेकुलर है, चीफ मिनिस्टर साहब सेकुलर है। हर चेक पोस्ट पे जो है कुछ गौ रक्षा समिति वाले ठहर रहे और कुछ जो है पशु रक्षा समिति वाले। गौ रक्षा समिति वाले ये बोल रहे हैं कि आप गाय नहीं काटना, ठीक है नहीं काट रहे हैं गाय, बैल लेके आ रहे हैं। पशु रक्षा समिति वाले बीच में आके ये बोल रहे हैं कि आप बैल नहीं काटना। तो आखिर ये क्या हो रहा, क्या हैदराबाद में क्या हो रहा? तो अभी थोड़ी देर पहले ये मालूम हुआ कि बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर की तरफ से एक आर्डर आया कि यानी ईद के 3 दिन तक जो है कमेले बंद रहना बोल के, और अगर कमेले बंद रहेंगे तो लोग जो है ओपन प्लाट्स में घरों कने कुर्बानी देते। उमन ऐसा होता कुछ लोग जो है अपना जानवर लेके कमेले को जाते, कमेले को जाके उसको जुबा करके आते और जो भी सामान रहता वहीं रख के आते, सिर्फ गोश्त लेके आते। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप जो है ओपन प्लाट्स में या फ्लैटों में नहीं जुबा करना, कमेले में करना हो, तो ये कोई एक पॉलिसी या एक बात समझ में नहीं आ रही है। तो हमारा मुतालबा है कि मेरा ये वीडियो हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब देख रहे होंगे और आपके महमूद अली साहब से मेरी गुजारिश है कि कोई एक पॉलिसी बनाइए, आप खुद जो है एक रात हुशार रहिए, हेल्पलाइन फॉर्म करिए आपकी ऑफिस में कि अगर किसी का जानवर गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे कॉल करिए, ये मेरा नंबर है बोल के आप दीजिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मीटिंग लीजिए, तीनों कमिश्नर से मीटिंग लीजिए, हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, रच्चागुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस, बल्दिया कमिश्नर से लीजिए। ये बल्दिया वाले होते कौन गिरफ्तार करने वाले,
कि भाई कोई इंसान जानवर पालने को भी लेके जा सकता, आपको कैसा खाप पड़ा उन्हें काटने के लिए लेके जा रहा बोल के। तो अभी वक्त है, अभी हालात नहीं बिगड़े हैं, और जो लोग जानवर ला रहे हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के आप जानवर मत खरीदिए, और जिस मार्केट में भी आप जानवर खरीद रहे हैं उनको ये बोलिए वो जो नॉन मुस्लिम से आप जानवर खरीदते हैं जो फार्मर है उस पर जिम्मेदारी आयत करो कि आप लाके चेक पोस्ट पार करके हमारे को जानवर दीजिए। ये मिली भगत है पुलिस की और आपके ये आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता की, और ये जो जानवर बेच रहे ना वहाँ पर मार्केटों में, ये उनकी मिली भगत है। ये जहाँ से जानवर निकल रहा है गाड़ी के नंबर के साथ, वो लोग खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ये मार्केट से जानवर निकला बोल के, 10 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये बचाने के चक्कर में पूरा जानवर चले जा रहा। आप देखिए आप ये बेचारे, इनका जो है 65,000 का, कितने का था आपका, इनका 65,000 का जानवर और इनका 35,000 के जानवर चले गए। अगर ये लोग थोड़ी होशियारी करते कि नहीं भाई हम जानवर खरीद रहे हैं, तुम चेक पोस्ट पार करके लाके हैदराबाद में हमारे को जानवर दिए बोले तो बात खत्म हो जाती थी। जो लोग जानवर खरीद रहे हैं गौर से मेरी बात सुनिए, आप ये जिम्मेदारी आयत करिए उनके ऊपर के लाके हैदराबाद में चेक पोस्ट दिलसू नगर तक लाके जानवर दिए बोलिए। अगर कोई लोग वहां से ला रहे हैं नारसंगी से ला रहे हैं उनको बोलिए टोली चौकी तक लाके जानवर दिए बोल के। तो हम, मेरा फिर से मुतालिबा है महमूद अली साहब से कि आप जल्द से जल्द मीटिंग कायम करते हुए ये जो हरासमेंट हो रहा है इसको बंद करना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है भाई, कल इब्राहिमपट्टनम बाजार से जानवर खरीद के ला रहा था, सागर रिंग रोड पुलिस वाले जो तो रोक लेके एलबी नगर पीएस को लेके गए, लिख जाके तो हमको परेशान करके लिख जाके गौशाला में डाल दिए जानवर, हमको जानवर देने के लिए जो तो ये लाओ डॉक्टर सर्टिफिकेट लाओ, खाली परेशान कर रहे हैं हमारे। आपके साथ क्या हुआ बोलिए। अब मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है, मैं जो है सो संगात हम दो जने लेके आ रहे थे, एक ही गाड़ी में था जानवर, वहाँ से जो है सो एलवी नगर पी एच, जबकि गवर्नमेंट का वो हमारे पास म्यूनसिपाल्टी का हमारे पास वो भी है परमिशन, वो लोग भी दिए 1500 रुपये लिए जानवर पे, वो भी ले लेके जो है सो ऐसी हरकत कर रहे हैं पुलिस वाले, वो तो डॉक्टर को लेके आके ये करके देते 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 बोल के बहुत हमारे ये करे, रात में 9 बजे तक टंगा दिए। हम साहब कने आए, खाले साहब कने आके हम ऐसा ऐसा हुआ बोल के पूरा वाकया बोले। आप वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कने गए थे वहाँ गए तो जो डिप्टी सीएम साहब मिले ने हमारे को, उनके खाली उनके बेटे साहब मिल गए, सब बात करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें बोल के बोल दिया उन्होंने।